हेलो स्टूडेंट, जैसा कि बहुत सारे भी स्टूडेंट हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग करा रहे थे, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जाम दिया हुआ था, जिसके दो राउंड ऑलरेडी ओवर हो चुके थे। और ये जो भी मॉपअप राउंड के लिए नोटिस आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो भी एक अपडेट आया है, नोटिस आया है, उसके बारे में डेट्स देख लेते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी मैं आपको आगे चैनल पर बताता रहूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन वाला बेल जो है उसको ऑल करके प्रेस करना है, ताकि आगे जो भी वीडियोज, जो भी अपडेट्स आएंगी मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा और वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अटल बिहारी में काउंसलिंग करा रहे थे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका हमारे पास क्वेरी आ रहा था अलग अलग कॉलेजेस को लेके। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आपके एडमिशन होंगे सारा काउंसलिंग प्रोसेस से ही हो रहा था, और लगभग जितने भी गवर्नमेंट या कहीं ना कहीं प्राइवेट भी है, जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो लगभग सीट सारी जगह पर फुल हो चुकी थी। बस कुछ कुछ जगह पर एक दो सीट का जो कैंसिलेशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सेम आपका प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादातर सीटें भर चुकी हैं। जिन जो भी कुछ सीट वैकेंट है, तो वो इस राउंड में जो आपका मॉपअप राउंड है इसमें आपकी कंप्लीटली जो है सीट जो है फुल हो जाएंगी। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एक बार लास्ट मौका है, अंतिम चांस है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार बीएससी नर्सिंग कोर्स में, तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन डिपेंड करेगा, अगर आप फॉर सपोज कि आप पता नहीं आपको कि कौन सा कॉलेज भरें या क्या करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आप कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप कोई ऐसा कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस का ऑप्शन बिल्कुल डाल के इंतजार ना करें जहां पर सीट्स नहीं है। अगर कोई ऐसे कॉलेज को आप फिल करके वेट कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी सीटें भर चुकी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो फिर आपको वहां पर सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सीट्स जो है फिल हो चुकी हैं। तो आपको ऐसे ऑप्शन नहीं डालने हैं कुछ भी। और इसी और आपका इसमें दिखा देते हैं क्या नोटिस में बोला गया है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, जहां पर आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, मॉपअप राउंड काउंसलिंग 2021-22 शेड्यूल। तो मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी रिलीज है यहाँ पर। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। ये आपका नोटिस है जो कि अभी बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, जिसमें इनका कहना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी मॉपअप राउंड काउंसलिंग शेड्यूल 2021-22 शेड्यूल। तो ये आपका जो एडमिशन है वो 21 सेशन का है, पिछले वाले सेशन का है। और यहाँ पर जो च्वाइस लॉकिंग, अगर आपको जो च्वाइस लॉक करनी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने ऑलरेडी करा हुआ होगा, तो वही रजिस्ट्रेशन आपका आगे मान्य हो जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। यहाँ पर जो च्वाइस लॉकिंग का है वो 14 तारीख से लेकर के 16 मार्च के बीच में, 14 से 16 मार्च। आज आपका 15 है, तो मतलब कल तक आप अपनी जो कल आपके 16th ऑफ मार्च है, तो कल तक अपना जो च्वाइस है फिल करके उसको लॉक कर देना है। जो अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, एडमिशन आपका कब कंफर्म होगा कि कौन से कॉलेज वगैरह के लिए, तो वो आपको 19 मार्च को डिटेल आ जाएगी। 19 मार्च को अपना आप देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे। और जो एडमिशन कॉलेज एडमिशन पीरियड, कि कॉलेज में कब से कब तक आपको जो है एडमिशन के लिए पहुंच जाना है, सारी चीजें, तो आपको जो रिपोर्टिंग करनी है फाइनल 21 मार्च से लेकर 23 मार्च, वहां पर भी आपको 2 दिन का समय मिल रहा है। 2 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप इसके बाद जाते हैं या इसके पहले, तो कुछ नहीं होने वाला, आपका बाद में भी एडमिशन नहीं मान्य होगा, भले ही आपका एडमिशन आया हो। लेटर अगर आया भी है तो उसके बाद आपका नहीं मान्य होगा। तो जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स सारी डिटेल आपको प्रॉपर लेके जानी है। कोई डाउट हो तो आपको नीचे हेल्पलाइन नंबर होगा, उस पर कॉल करिएगा, उसमें सारा आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कितने क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं। पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहां पर फीस सबमिट करनी होगी, तो फीस का भी अरेंजमेंट अपना कर लें। जो जिस भी कॉलेज की जिस तरह से फीस है, कुछ कॉलेजेस की 80,000 के अराउंड है फीस, तो वो आपको जितनी भी फीस है वो वन टाइम में पेमेंट होगी, और वो आपको पूरी अभी से अरेंज कर लेनी है, फीस का अपना बंदोबस्त कर लीजिए। लास्ट डेट जो है यूनिवर्सिटी रिपोर्टिंग के लिए, देखिए जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं, जो आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट होता है वहां पर आप रिपोर्ट करते हैं, फिर वहां से यूनिवर्सिटी में जो फॉरवर्डिंग होती है, जो आपका डेटा फॉरवर्ड किया जाता है, उसकी भी लास्ट डेट बहुत ज्यादा नहीं है। जस्ट उसके दूसरे दिन, जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे 23 तारीख को, और उसके अगले दिन कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा, 5 बजे के पहले सारी आपकी डिटेल जो होंगी वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, वो आपको समझने हैं। ऐसे ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सीईटी, जो आपका एग्जाम हुआ, कि प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया था, एवं जिन्होंने प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है, केवल वही अभ्यर्थी अहर होंगे। तो मतलब यहाँ पर वही केवल लोग एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनको पहले या दूसरे राउंड में कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला हुआ है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, जो अभ्यर्थी प्रथम बार काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, उनको अभ्यर्थी की को काउंसलिंग फीस 5,000 की सिक्योरिटी मनी तथा ₹500 काउंसलिंग फीस कुल 5,500 ऑनलाइन जमा करनी होगी। जो ₹5,500 फीस है, जो लोग पहली बार पार्टिसिपेट करने वाले, जिन्होंने अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं कराई थी, उनको यहाँ पर ₹5,500 पे करने रहेंगे, जिसमें 5,000 आपकी काउंसलिंग फीस है, सॉरी ₹5,000 आपकी सिक्योरिटी मनी है, और ₹500 जो है वो आपकी काउंसलिंग फीस है। टोटल ₹5,500 आपके जमा किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था, जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड में काउंसलिंग कराई थी, तथा उनको किसी भी कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, कोई भी कॉलेज का आपको अलॉटमेंट नहीं आया है, तथा वह अभ्यर्थी जिन्हें लेटर इशू होने के उपरांत किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है,
ऐसे भी लोग जिन्होंने जिनका अलॉटमेंट आया था लेकिन फाइनली उनका एडमिशन नहीं हो पाया है या नहीं लिया है, वह अभ्यर्थी उन अभ्यर्थियों द्वारा एक बार सिक्योरिटी मनी जमा कर दी गई है, उन्हें सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी है, वह अभ्यर्थी केवल ₹500 काउंसलिंग फीस जमा करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको एडमिशन नहीं हुआ है बाई एनी रीजन, उनको सिर्फ ₹500 जमा करनी है। जो ऑलरेडी ₹5,000 पे कर चुके हैं उनको इस बार फिर से दोबारा जो आपका 5,000 है ₹5,000 पे नहीं करना पड़ेगा। तो उनको सिर्फ ₹500 पे करनी है, जो कि ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए फीस है। तो वो आप केवल ₹500 जमा करके आगे अपना प्रोसेस करा सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कोई भी आपका डाउट या क्वेरी है तो कमेंट करें आगे, और आपको अपडेट मिलती रहेगी। स्टे कनेक्टेड विद करियर अल्फा। थैंक यू सो मच।